अभी हूँ मैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर डेरा बाबा नानक रेलवे स्टेशन पर। ये इंडिया और पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के पास में है। पाकिस्तान का लास्ट विलेज जसर है, जसर के बाद फिर डेरा बाबा नानक आता था और ये डेरा बाबा नानक से फिर अमृतसर जाती थी और अमृतसर से आगे फिर अटारी और लाहौर की तरफ जाती थी। पाकिस्तान अलग मुल्क बन गया है, इंडिया एक अलग मुल्क बन गया है। 500 मीटर मैं चल के आ गया हूँ, 500 मीटर और चल के जाना है और सामने वो जो पेड़ की ये बाउंड्री दिख रही है आपको, ये सारी पीछे तक ये बाउंड्री है। 500 मीटर के बाद दूसरी सरहद शुरू हो जाती है, दूसरा मुल्क शुरू हो जाता है जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। संताली की बंड हुई ना जो इतने वाटो कोई वो तो आ भी रेल इतने भी बड़ी। अच्छा इतने बड़ी है ट्रेन ही बड़ी आपे गड्डी दे लेके वो बंदे बंडन आपे। अच्छा हाँ जी इतने तो लोथा पईयां हन और जे हाड़ लाशा पईयां ही ना दूजा हाड़ आउंदा हां ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਮਰ ਜਾਣੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ। ਆਹ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਦੇ ਹੱਸਦਾ ਆਇਆ ਕੋਈ? आइए फिर चलते हैं इस ट्रेन में और कराते हैं आपको यात्रा डेरा बाबा नानक से लेके अमृतसर तक। तो ये जी अभी फार्मर की स्ट्राइक ख़त्म हो गई है और अभी जस्ट ट्रेन चली है डेरा बाबा नानक प्लेटफॉर्म नंबर 1 से भी ये ट्रेन रवाना हो चुकी है। ये ट्रेन वैसे काफ़ी स्लो जाती है, मैंने वैसे परमिशन ली है कि लास्ट में थोड़ी स्लो रखना ताकि मैं भी बैठ जाऊं। फाइनली ट्रेन चल पड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डेरा बाबा नानक से। सिटी के अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ भी 3-3 का पेयर है, 3 से डिसाइड है, 3 साइड डिसाइड है। अनरिजर्व्ड ट्रेन है टोटली, जैसे 1 कैबिन बना हुआ है इस साइड, दूसरा कैबिन है। मोस्टली ट्रेन खाली जाती है लेकिन आज जैसे मेला था डेरा बाबा नानक में तो इसलिए कुछ सवारियाँ हैं, आज भरी है मोस्टली ट्रेन। ये है पंजाब की ब्यूटी, आप देखो कितने हरे भरे अच्छे लग रहे हैं खेत खलिहान और बीच में सरसों के फूल। ये है जी खूबसूरती पंजाब की। शाम को चली है ट्रेन ड्यू टू फार्मर स्ट्राइक के कारण और अभी सूर्य ढल चुका है, शाम का टाइम है। कितना अच्छा लग रहा है शाम का व्यू। वीर का इसका लास्ट स्टॉपेज है और अभी इसका फर्स्ट स्टॉपेज आ गया है रतकर छत्तर, छोटा सा प्लेटफॉर्म है ये। अपने 1 मिनट के हॉल्ट के बाद ये छोटे से रेलवे स्टेशन रतकर छत्तर से अभी चल पड़ी है।
ये डेरा बाबा नानक से आते हुए फर्स्ट स्टॉपेज था। छोटा सा प्लेटफॉर्म है, विलेज है, विदाउट स्टेशन मास्टर से चलता है ये स्टेशन। ट्रेन की स्पीड की बात करें तो ये मैक्सिमम इसकी स्पीड होती है 40 या 45 मैक्स। एक घंटे 20 मिनट का टोटल ट्रैवल है इस ट्रेन जर्नी से। 45 किलोमीटर का टोटल सफ़र तय करती है ये ट्रेन डेरा बाबा नानक से वेरका और अमृतसर के लिए। ये भी एक छोटा सा विलेज है और प्लेटफॉर्म भी छोटा सा ही यहाँ पे। हरिद्वार थर्ड स्टॉपेज है इसका। आज का महीना अभी ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, प्लेजेंट वेदर है। हालांकि अभी शाम को थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो जाती है, अदरवाइज दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सबसे बेस्ट वेदर है पंजाब का। खूबसूरती आप देखो पंजाब की, कितने हरे भरे खेत खलिहान और बीच में से ट्रेन निकलती है, कितना ही अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी होंगी 1947 के बंटवारे से पहले, जब देश आज़ाद हो गया था तो काफ़ी लोगों की यादें जुड़ी थी और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी मेरे को इस रूट पे ट्रेन ब्लॉगिंग करने के लिए। तो इसीलिए मैंने आज, मेरी ये कोशिश है कि आपकी जो पुरानी यादें हैं वो फिर से ताज़ा की जाए इस रूट को दिखा के, जो कि पहले पाकिस्तान से चलता था और अमृतसर, फिर अमृतसर के आगे अटारी, लाहौर, वो भी तो यादें बन के रह गई हैं। बट
मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आपकी यादें फिर से ताज़ा की जाए। अभी अपने फिफ्थ स्टॉपेज पे आ चुकी है ट्रेन फतेहगढ़ चूड़ियाँ। पहुंच गई अपने सेकंड लास्ट स्टॉपेज मजीठा रेलवे स्टेशन। ये भी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है और प्लेटफॉर्म से बहुत दूर है ट्रेन।
छोटा सा रेलवे स्टेशन है मजिठा, और इस पर आप देखोगे काफ़ी पैसेंजर यहाँ पे उतर गए हैं, और बकायदा यहाँ पे चेकिंग भी हो रही है टिकटों की, ताकि कोई विदाउट टिकट ट्रैवल तो नहीं कर रहा। अब इसके बाद सीधे ये ट्रेन जाएगी वेरका, और वेरका हालांकि इसका लास्ट स्टॉपेज है। पहले ये ट्रेन अमृतसर से चलती थी, लेकिन अमृतसर में काफ़ी ट्रेन की ट्रैफिक है, तो इस वजह से अमृतसर में प्लेटफॉर्म कम है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी ट्रेन्स की, तो इसलिए इस ट्रेन को वेरका में शिफ्ट कर दिया कि वेरका से ये चलती है और वेरका से ही पहुँचती है। पंजाब के एक बड़े लीडर श्रोमणी अकाली दल के बिक्रमजीत सिंह जी मजिठा, तो ये उन्हीं का सिटी है, उनका हलका है मजिठा, उनके नाम के पीछे भी मजिठा लगता है। ट्रेन जा रही है और वो ट्रैक जो है वो पठानकोट से अमृतसर का ट्रैक है। दोनों जो ट्रेनें हैं ये वेरका रेलवे स्टेशन पे जाके इकट्ठी मिलेगी। लास्ट फाइनल रेलवे स्टेशन इस ट्रेन का, फाइनल स्टॉपेज इस ट्रेन का वेरका जंक्शन, और वेरका जंक्शन से अमृतसर सिर्फ 10 या 15 मिनट की दूरी पर है, लेकिन ट्रेन यहीं तक जाएगी। ये प्लेटफॉर्म 1 है जो इस साइड आया वेरका का, और उस साइड है प्लेटफॉर्म नंबर 2। ट्रेन अपने फाइनल स्टॉपेज वेरका जंक्शन पे पहुंच चुकी है, और ये थी आज की मेरी छोटी सी कोशिश इस रूट को दिखाने की। उम्मीद करता हूं कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग मैं बनाता रहूं। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। दिखती रही यात्री इन्फो।